सर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। नमस्कार देसाई साहब। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते रावत जी। नमस्ते दीपाली जी। नमस्ते रितेश जी। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार। नमस्कार जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बस अच्छा है, स्वास्थ्य आपका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलिए, सो नाइस। मेरे ख्याल से कुछ लोग कम आए हैं, शायद अभी संडे मना रहे हैं, थोड़ा पहली पहली बार है। कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, बीच बीच में शामिल हो जाएंगे या थोड़ा सा एक दो मिनट का ब्रेक लेके हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल हमारे सब बैच में सब लोगों के आपस में जान पहचान तो हो ही गई थी, कोई बचा नहीं था। मेरे ख्याल दीपाली जी ने नया ज्वाइन किया है, शायद पहले क्लास में इंट्रोडक्शन मीट में नहीं थी दीपाली जी आप। यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप कहाँ रहती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, और सर मैंने जो है ज्योतिष प्रवीण किया हुआ है, ज्योतिष विशारद कर लिया है, पर सर अभी ना चार्ट वार्ट देखने में मेरे को दिक्कत आती है। तो सर मैं आपको ना यूट्यूब पर तो बहुत फॉलो करती हूँ, मैं आपको अच्छा। बहुत अभी वीडियोस वगैरह में देखती हूँ, तो अभी मेरे को मौका मिला आपसे क्लास लेने का, तो थोड़ा बहुत ग्रेटफुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाजियाबाद में कहाँ रहती हैं? सर मैं कविनगर में। अच्छा कविनगर, आप तो हमारे बहुत ही पास हैं। अच्छा सर आप कहाँ हैं सर? मैं राजनगर में। अरे अरे वाह सर, तो आप तो दिल्ली में रहते थे पहले? नहीं नहीं कभी, यही शुरू से राजनगर में। अच्छा, तो सर आपसे तो फिर मुलाकात हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आप चाहें तब आप आइए, कोई दिक्कत नहीं। सर राजनगर में कहाँ सर? सेक्टर 4 है, मकान हाउस नंबर 119। अच्छा अच्छा, राजनगर में सेक्टर 4, मकान नंबर 119। सबसे बड़ी पहचान पानी की टंकी है, राजनगर में 2 टंकियां हैं पानी की, उनके सामने वाला ही मकान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी आना चाहे तो आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। जो भी आना चाहे सबका वेलकम है, बिल्कुल कभी भी यहाँ आए गाजियाबाद साइड तो हमारे यहाँ आए, बड़ी अच्छी होगा, बड़ा खुशी होगी मिलकर आप लोगों से।
चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा पहले एक जस्ट कुछ देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्टार्ट करें चीजों को, वो भी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको एक एक कुंडली दिखाते हैं लगा के। आप भी इसका नोट कर लीजिए, मेल की कुंडली है आपके पास रहेगा, मेल कुंडली है 21 अगस्त 1980 डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1980 ये डेट ऑफ बर्थ है। समय है इनका 19:45, राजस्थान नहीं है इनका, इनका महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र हम डाल लेते हैं, जयपुर जगह सिटी की जगह इनका सिटी है अमरावती, तो सिटी अमरावती डाल लेते हैं। आप लोग वैसे सभी सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ करते हैं। चलिए सो नाइस, अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये कुंडली बन जाती है, ये कुंडली हमारे पास आती है, मेल मेल की कुंडली है अमरावती महाराष्ट्र की 21 दिसंबर। जीरो कैस जीरो आ गया है शायद, कुछ गड़बड़ है। आप एक कमरा है ना, दो कमरा, एक कमरा। हम प्रभु जगन्नाथ मंदिर का पंडित लोग 21 दिसंबर 1980। हम लोग सर राजेश श्रीवास्तव बोल रहे थे। हाँ राजेश बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ राजेश, कह रहे थे सर ये हम लोग ये जे होरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये तो हमारे पास नहीं है। तो जे होरा भी, जगन्नाथ होरा भी अच्छा है, जगन्नाथ होरा भी अच्छा है, उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पाराशल लाइट कहा जाता है कि मतलब बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और इससे अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नहीं। बट जगन्नाथ होरा इज ऑल्सो गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली तो वैसी ही बनेगी, आप इसके अंदर बना लीजिए या जगन्नाथ होरा में बना लीजिए, थोड़ा चेंज आता है सर। हैं, थोड़ा चेंज होता है। नहीं इसमें ये अच्छा है कि इसमें दशा वशा सारी एक साथ हम देख सकते हैं, ये बेहतर तो है ही। हाँ बेहतर है, और आपको इसमें मतलब आपको सब चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़ा जिसे कहना चाहिए ना, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये वाला। अब जैसे मैं आपको इसमें एक चीज दिखाऊं बहुत इम्पोर्टेंट, आप जैसे देखें यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटी सी कुंडली से, ताकि मालूम भी चल जाए हम लोगों को कि हम लोग किस तरह से देखते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि कुंडली हमारे पास आती है तो हम लोग इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम उसमें देखें क्या। सबसे पहले तो हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में देखें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, पहले लगन देखें, सूर्य देखें, या कहाँ से स्टार्ट करें। से हम लोग एक कुंडली लगाते हैं, और आप लोग बताइए कि कुंडली आप अगर आपके पास ये वाली कुंडली आती है जो कुंडली मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो आप इसको कैसे देखना चालू करते हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि ये कुंडली है। इसको आप भी नोट कर सकते हैं, मेल चार्ट है वो वाली कुंडली, दूसरी जो पहले लगाई थी वो मैं आपको दूसरी वाली बार में समझाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट अगस्त 1949 समय है सुबह, समय इनका है 1 बजे दोपहर के, और टाइम प्लेस है ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ये कुंडली इनकी बनती है, वृषभ लगन की कुंडली इनकी बनती है, चंद्रमा इनका बैठा है तुला राशि में और मंगल वहां बैठा है। तो ये कुंडली एक आई है। इस कुंडली में उनको क्या है कि ये
जो है ये प्रॉपर्टी में बिजनेस डील करते हैं, अपना प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट इनको अप्रैल 17 से करीब करीब अप्रैल 17 से आप ले लीजिए तो मैं लगा देता हूं उसमें दशा, इनको लॉस होना शुरू हो गया है प्रॉपर्टी के अंदर। तो क्या चीज आपको लगती है कि ऐसा मतलब ये रीजन रहा होगा कि जिसकी वजह से ये लॉस इनको प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है, आपको कुछ? कौन से कब से हो रहा है सर ये? 17 से हो रहा है, 2017 से, अप्रैल 2017 से। मैं जिससे पूछूं जरा वो बताइए। अच्छा दीपाली जी, आप कुछ सोचिए इसके बारे में कि ये कुंडली है, ये प्रॉपर्टी में काम करते हैं और इनको अप्रैल 2017 से लॉस हो रहा है, तो क्या ऐसा देखने से आपको लगता है कि कुंडली से दशाओं को देखते हुए कि लॉस इनका वाजिब है? बुध में गुरु में राहु और उसके बाद बुध शनि शनि। रितेश जी आप बताइए, रितेश पाठक जी देख लीजिए, पहले 2 मिनट देख लीजिए आप लोग। जी नहीं, आपको विजिबल नहीं आ रहा है नजर? एक्चुअली 17 तक दिखा रहा है दशा सर, मेरे ख्याल से ऊपर करना पड़े। हाँ ऊपर कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है मेरे ख्याल से, यहाँ तक तो देख सकते हैं। परेशानी सर कब से हो रही है इनको? इनको 2017 से, मतलब मार्च अप्रैल 2017 से परेशानी है। हो सकता है 2-3 महीने पहले से परेशानी हो, या 2-3 महीने जैसे उन्होंने कहा है कि मार्च अप्रैल से उनको परेशानी है, उनको फाइनेंशियल लॉसेस होने बहुत चालू हो गए हैं। और तो ऐसा मतलब क्या इसमें ऐसा दिखता है हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस इसके अंदर हो रहा है इस कुंडली के हिसाब से? और क्या ये कहते हैं कि हमारा उधार उतर जाएगा या नहीं उतर जाएगा? जो हमारे पे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है इनको, इनके ऊपर लोन भी काफी हो गया है, तो ये पूछते हैं कि हमारा लोन चुकता भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बुध की महादशा है, बुध गुरु जी यहाँ पर धनेश हैं और पंचमेश हैं, और गुरु की अंतरदशा है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है और धन स्थान से 8वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, जिसके कारण इनको धन की अचानक हानि हो रही है। आपने बोला है कि गुरु के मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में है और वो धन स्थान से 6ठे बैठा हुआ है, 8वें बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इनको धन की हानि हो रही है। ठीक है, आप और कोई बताइए इसके अलावा, और कुछ सोचिए, कुछ और चीज आपको नजर आती है इसमें? आप थोड़ा पहले की दशा भी देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि अप्रैल 17 में देखें, आप थोड़ा पहले भी जा सकते हैं, मतलब लेट 16 में जा सकते हैं थोड़ा। क्योंकि कुंडली देखते वक्त क्या करना चाहिए कि हम नॉर्मली जो आदमी जिस जगह बोलता है कि साहब ये मुझे 17 में परेशानी चालू हुई, तो हम 17 पकड़े बैठ जाते हैं, थोड़ा 16 भी लेके देख सकते हैं आप, क्योंकि प्रॉब्लम पीछे से कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हुई होगी, तभी वो 17 तक जाके एग्जीक्यूट होती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, दशा आगे की या पीछे की, दोनों दशा थोड़ा देख सकते हैं। तो कुंडली आए तो थोड़ा आगे की या पीछे की दशा जी, तो संभव है गुरु जी की बुध गुरु में मंगल की जब हो दशा, तब इनको परेशानी शुरू हुई हो, चूंकि मंगल की भी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है और द्वादशेश धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो एक साथ अष्टमेश और द्वादशेश दोनों की अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चल रही है, और उसमें भी मंगल से धन स्थान एक्टिव है, मंगल व्ययेश है, इसलिए धन का व्यय इनको धन हानि संभव है। आप रितेश जी बोल रहे हैं? जी गुरु जी। अच्छा रितेश जी, वेरी गुड। अच्छा देसाई साहब आप कुछ बताइए थोड़ा सा। वैसे शनि है तो
योग का रख, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शनि का भी रोल मुझे लग रहा है, क्योंकि शनि और बुध का जो है 2-12 का एक्सेस बन रहा है, दशा अंतरदशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड है, उसके बीच का एक्सेस बराबर नहीं है, 2-12 का है। अब देखिए, लेकिन लॉस तो इनको थोड़ा पहले से स्टार्ट हो गया ना। हाँ, मतलब देखे वहां से हुआ और फिर वो हाईलाइट, मतलब जो ज्यादा हुआ वो तब उसकी वजह से भी मतलब कंटिन्यू हुआ, ही वाज अनेबल टू, वहां से बाहर नहीं निकल पाए, और जो आपने बोला उनको सेल करनी, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, वो सब करना पड़ा। तो आप देखिए तो ये जो प्रॉपर्टी और उसके रिलेटेड जो है, मतलब फोर्थ हाउस जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है। फोर्थ हाउस में क्या प्रॉब्लम है? सैटर्न वहां बैठा हुआ है जी, तो प्रॉब्लम तो है, चाहे वो 9 और 10 का मालिक हो, फिर भी वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो आएगी, वो तो छोड़ेगा नहीं, ये ठीक है। सो तो बिकॉज ऑफ दैट है। दूसरा है, देखिए उनको जो फायदा, मतलब राहु जो है वो 11th में है, मतलब जो उनको बेनिफिट या जो गेन होना है, वो राहु केतु एक्सेस में आ गए, वो हाउस राहु केतु के एक्सेस में है, राइट। और जैसे इन्होंने बताया था, वो गुरु, वो इनकम या जो भी गेन है उस हाउस का, और 8 अष्टम का मालिक है, तो यहाँ पे गुरु बराबर है ही नहीं इनके लिए, तो इनकी जो उनका जो इन्फ्लुएंस आया तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरा वो वक्री है, सो और दिक्कत है, वक्री है और दिक्कत है, बिल्कुल ठीक बात है, आपने सही बताया, सही पकड़ा है बिल्कुल। और कोई बताइए, दीपाली आप बताएंगे उसमें थोड़ा सा? राजेश, हाँ राजेश बोलो। सर ऐसे देखा जाए तो बुध ट्रेड बिजनेस के कारक हैं, तो महादशा हाँ। में इनको लाभ होना चाहिए था, क्योंकि हाँ। पंचमेश भी हैं, लेकिन जब गुरु की अंतरदशा आई तो गुरु चूंकि अष्टमेश हैं, तो हाँ। एक तरह से देखा जाए तो धनेश और अष्टमेश का था, और जब गुरु में फिर मंगल का गया तो वो द्वादश भी हो गए, तो अष्टमेश द्वादश की वजह से इनको शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू हुआ, शुरू हुआ वहां। और दूसरा आप देखिए, बुध देखिए, जो कारक है, कारक बेसिकली जो प्रॉपर्टी का कारक है वो द्वादश था, तो उसकी वजह से इनको मुझे लगता है समस्या शुरू ही होगी गुरु मंगल के आसपास, हालांकि सिम्टम्स थोड़े से पहले आ जाते हैं। दूसरा इस भाव को देखें, अगर फोर्थ की पोजीशन, जैसा कि देसाई साहब बता रहे हैं, तो हालांकि शुक्र जरूर है, शुभ ग्रह है, लेकिन सैटर्न भी है, तो सैटर्न फोर्थ में तो बहुत अच्छे हमें तो नहीं लगता माने जाते हैं, तो वो तो प्रभाव देंगे ही। दूसरा प्लस इसका जो लॉर्ड है, इस हाउस से 12th है, इसका जो लॉर्ड है अपने से 12th में बैठा हुआ है, तो वो भी एक फैक्टर होगा। तो बेसिकली मुझे लगता है मंगल और गुरु की वजह से मेन समस्या है, और बाकी तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, दूसरा सर बुध जो है वो अस्त भी है सूर्य के साथ। चलिए, बुध को तो अस्त मानते हैं, लेकिन महादशा लॉर्ड है, और बुध को चूंकि सूर्य के नजदीक ही होता है, तो इसको मतलब नहीं, मतलब धनेश जब अस्त है तो वो प्लस में तो नहीं आएगा ना, वो जो अपना जो पॉजिटिव जो लाने की कोशिश करेगा उसमें तो कमी आएगी। हाँ, शनि की दशा में इनकी प्रॉपर्टी बिकी है, शनि की दशा में इनको प्रॉपर्टी अपनी बेचनी पड़ी है, तो अब इन्होंने ये, तो आपको लगता है कि शनि की दशा में प्रॉपर्टी इनकी बिक सकती है? ये सर, क्योंकि सस्टेस है, अगर वहां से देखा जाए अपने से, तो अष्टम बैठा हुआ है, अगर नौमेश माने तो। शनि की दशा में क्या है कि शनि जो है वो आपका चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो जिस समय शनि की दशा आई तो चौथा भाव तो एक्टिव हो गया, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। साथ में वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो देखिए जो साथ बैठा ग्रह होता है उसका उसके ऊपर स्वभाव फर्क पड़ता है उसके ऊपर। शुक्र जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि 6 भाव की है, तो 6 भाव की मूल त्रिकोण राशि वहां होने से, शुक्र की 7 वहां होने से, 6 शनि की दशा में उनको प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी पड़ी। और जो आपने बताया पीछे वो बिल्कुल ठीक बताया, राजेश जी ने भी ठीक बताया, रितेश कुमार ने बिल्कुल ठीक बताया, देसाई साहब ने भी सही बताया बात ये वाली,
कि गुरु आपका अष्टम का मालिक है, अष्टम का मालिक होके भाग्य भाव में बैठा हुआ है और वक्री होके बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव पर स्वामी का भाग्य भाव में बैठना एक तो पहले ही गड़बड़ हो गया, ऊपर से वक्री हो गया, तो और ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। तो ये भाग्य की हानि दिखा रहा है बहुत ज्यादा, बुद्धि गुरु की दिशा में। और किसी ने शायद बोला कि मंगल से स्टार्ट हुई है, वो भी बिल्कुल सही बात है। मंगल से क्या, बोलिए चंद्रमा से थोड़ा अगर आप और देखें तो चंद्रमा से भी आपको परेशानी लगेगी। यही कहना चाह रहा था मैं सर। हाँ, कि चंद्रमा से भी ये स्टार्ट हुआ है। पुरुष में चौथे हाउस का है लॉर्ड, हाँ, और वहां से ये हुई है तनाव और ये सारा काम जो हुआ है, वो सिस्टम में बैठा है। देखिए बिल्कुल ना, क्योंकि चंद्र की दशा में क्या है, चंद्र की दशा में चंद्र ने छठा भाव एक्टिव किया होगा। जब चंद्र ने छठा भाव एक्टिव किया होगा तो जाहिर है उन्होंने कुछ लोन वोन लिया होगा उस दशा में। अब वो लोन लिया होगा तो अब वो लोन उनको चुकता करना है, लोन बेचना, लोन चुकता करने के लिए प्रॉपर्टी इनको बेचनी पड़ी शनि की दशा में आके। बिल्कुल, क्योंकि शनि की दशा में इनको शुक्र बैठा हुआ है तो उसने प्रॉपर्टी बिकवा दी। इसके बाद अब हमारा जो है, आप ये भी देखिए कि जन्मकालीन दशा जरूर चेक कीजिए कुंडली के अंदर। जन्मकालीन दशा जब भी कुंडली देखते हैं तो हमेशा जन्मकालीन दशा भी देखें। तो जन्मकालीन दशा इनकी क्या है, मंगल में सूर्य की दशा है इनकी जन्मकालीन दशा। ये नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है मंगल में सूर्य, ये जहां चंद्रमा दिखाया ना यहाँ पर, ये मंगल में सूर्य में शुक्र, ये दशा लिखी हुई है जन्मकालीन दशा। तो ये जन्मकालीन, जब भी कोई कुंडली देखें तो उसकी जन्मकालीन दशा भी देखें, क्योंकि जन्मकालीन दशा का फर्क इंसान के ऊपर बहुत पड़ता है। अगर जन्मकालीन दशा अच्छे भावों की नहीं मिली, 6-8-12 भावों की मिली, तो इंसान जिंदगी में अच्छी दशा होते हुए भी, अच्छे योग होते हुए भी तरक्की, इतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी तरक्की उसको करनी चाहिए। तो यहाँ पर जन्मकालीन दशा भी इसकी एक बार चेक कर लीजिए। अब दूसरी बात ये देखिए, चंद्रमा कहाँ गया है इनका, जहां पे लग्न जाए जिस भाव में, ये भी हम लोग जानते हैं कि जिस भाव में लग्न जाए आदमी का मन वहां होता है। चंद्रमा जिस भाव में जाए आदमी का मन वहां होता है। चंद्रमा इनका छठे भाव में बैठा है तो ऐसे इंसान का मन ज्यादा डेप्थ के अंदर तो बहुत ही होगा, मतलब वो हमेशा ही डेप्थ लेके कुछ काम करना चाहेगा, उधार उधार लेना लोन में, मतलब बहुत ही लोन फ्रीक बंदा होगा, ये तो देखने वाली बात है। और इसके बाद इनकी दशा जो आ रही है, अब अगर आप देखें बुध में दशा, अगर यहाँ मैं इसको दो ही दशा करूं, इनसे देखा जाए कि भाई क्या इनका लोन चुकता होगा या नहीं होगा, तो देखिए आज की डेट में केतु में अभी चल रहा है इनका केतु में चंद्र, तो क्या केतु की चंद्र दशा में इनका लोन चुकता हो जाएगा? केतु में चंद्र, अब ये पूछ रहे हैं कि साहब मेरा लोन चुकता होगा या नहीं होगा। आज की डेट की पत्रिका है तो हमें केतु की चंद्र की दशा में देखना है, तो क्या केतु में चंद्र की दशा में ये लोन अपना चुकता कर सकते हैं? तो केतु में चंद्र की दशा में जाहिर बात है चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा कैश का कारक होता है, तो कैश का लेन देन बहुत रहेगा, ऋण का तो इसमें होगा ही। केतु में चंद्रमा में प्रॉब्लम नजर आती है। केतु में मंगल में देखिए, मंगल धन भाव में बैठा है, मंगल धन देगा, लेकिन धन कहां से देगा? मंगल किस भाव का स्वामी है? 12वें भाव का स्वामी है, तो धन भी देगा व्यय भी कराएगा, तो मतलब धन आएगा और पैसा जाएगा, लोन चुकता होना शुरू हो जाएगा। ये तो है, मतलब ये है कि लोन तो चुकता हो जाएगा इसका, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी है छठे भाव पे। डेप्ट वाला भाग आपका शुक्र वहां बैठा हुआ है, वो शनि की दृष्टि भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लोन चुकता हो जाएगा इनका। ये बात नहीं समझ में आई सर, केतु की दशा में कैसे होगा? महादशा मत छोड़िए, आप अंतरदशा लीजिए ना, आप महादशा को इतना ज्यादा प्रीफरेंस मत दीजिए। महादशा नाथ जो है वो आपकी प्रकृति को चेंज करता है, आप अंतरदशा को पकड़िए। अंतरदशा आपकी केतु में चंद्र की दशा अभी चल रही है इनकी, तो केतु में चंद्रमा हाँ, केतु के लिए सर, इसलिए मेरा पॉइंट ये रहेगा क्योंकि लोन का व्यय पंचम भाव हुआ, छठवां लोन हुआ तो उसका व्यय पंचम भाव, यानी लोन से छुटकारा पंचम भाव से देखा जाएगा, और केतु जहाँ बैठे हैं वो पंचम भाव है। हाँ, वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, वो भी आप मान सकते हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केतु जो है लोन से 12वें भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव है, तो व्यय का छुटकारा है। और केतु में मंगल जो है, मंगल में ये होता है ना, देखिए मंगल से स्टार्ट हो जाएगा इनका, मंगल धन देगा व्यय भी कराएगा, यानी धन आएगा तो धन जाता रहेगा, धन आता रहेगा जाता रहेगा, तो वो आपका लोन चुकना शुरू हो जाएगा इनका।
बट शनि की दृष्टि है छठे भाव, तो ये स्लोली होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि फास्ट धन झुक जाएगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पे होने से थोड़ा स्लोली धन झुकेगा, लेकिन धन झुक जाएगा, इसकी कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये चीज हो जाएगी। इनकी पत्रिका आई थी तो हमने इनको यही बताया कि भाई आपकी किस्तें तो पूरी हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर्टी लूज होने का रीजन आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा सबने, उसमें इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और आपने बहुत आसानी से सब लोगों ने बताया। अब हम एक दूसरी कुंडली लगाते हैं, उस कुंडली को आप देखिए वो इसमें इसमें सर एक हाँ सर राजेश हाँ राजेश बोलो सर, इसमें जो हम केतु में चंद्र की बात कर रहे हैं उससे हाँ बेहतर पीरियड तो केतु में शुक्र का, जो चीज षष्ठ को तो वो ज्यादा एक्टिव करेगा, नहीं केतु तो में शुक्र तो निकल चुका ना, तो उससे बेहतर ही होनी चाहिए थी, नहीं दशा बेहतर थी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, केतु में शुक्र लेकिन निकल चुका, वो लॉन तो चालू उन्होंने कर दिया है, हाँ, तो मतलब अगर उस फेज में नहीं हुआ, उस फेज में नहीं हुआ तो बात वो वाला बात वो हाँ तो वो क्यों नहीं हुआ, मतलब मुझे लगता है वो चांस ज्यादा अच्छा था, अगर उसमें प्रयास किए होते तो ज्यादा सक्सेस होता। नहीं मैं भी ऐसा होगा ना कि प्रोसेस चालू हो कर दिया होगा उन्होंने, प्रोसेस चालू कर दिया उसने, लेकिन वो सैटर्न की जो दृष्टि आ रही है उसकी वजह से ये प्रोसेस लंबा जा रहा है, वो धीरे धीरे और लंबा जा रहा है, वो फोर्थ को स्लो कर देगा, हाँ बस फोर्थ को स्लो कर दे रहा है, और लोन 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 से बाहर निकलना भी स्लो हो रहा है ना, वो सैटर्न की दृष्टि आ रही है ना उसकी वजह से, लेकिन वो प्रोसेस आपने जैसे बताया वो शुक्र में ही शुरू चालू कर दिया है, वो शुक्र पे चालू कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपाली इसमें कहीं कोई पॉइंट आपका कुछ समझ में आया आपको? यस सर, सर जो डिस्कशन हो रहा है वो समझ आ रहा है, आ रहा है ना, मतलब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिक्कत आए तो एकदम बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ तो मैं एक दूसरी पत्रिका लगाता हूँ उसको भी एक बार देखिए। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या है, कोई पत्रिका आपके पास आए तो पत्रिका आने के बाद सबसे पहले आप लगन देखिए उसका, कहीं भी कोई पत्रिका आती है जैसे पत्रिका मैं इसमें अब लगाता हूँ तो सबसे पहले आपको लगन देखना चाहिए, लग्नेश देखना चाहिए कि लगन कैसा है इसका, लगन पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लगन कैसा इसका है, पीड़ित तो नहीं है, इसका लग्नेश कहाँ बैठा है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है या छठे आठवें बारहवें भाव में गया है, लगन देखें, लग्नेश देखें, चंद्र देखें कि चंद्रमा इसका पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि मानसिक परेशानी अगर होती है तो बहुत चीजें तरक्की करने में मुश्किल हो जाती है इंसान को, चंद्र देखें, चंद्र से मन का पता चलता है, तो लगन देखें, चंद्र देखें, सूर्य देखें, सूर्य से आदमी का आत्मविश्वास मालूम चलता है, कॉन्फिडेंस मालूम चलता है उसका, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर सूर्य कमजोर है तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उस बंदे का कमजोर है जिसकी वजह से वो चीजों को पूरा नहीं कर पाता, तो ये चीज भी हम लोगों को ध्यान देनी होती है कि लगन देखें, चंद्र देखें, सूर्य देखें, और उसके बाद फिर हम देखें जन्मकालीन दशा, जन्मकालीन दशा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, वो अगर हमारी जन्मकालीन दशा अच्छे ग्रहों की होगी तो अगर हमें बाद में थोड़ी विपरीत दशा भी मिल रही है, थोड़ी प्रतिकूल दशा भी मिल रही है तो भी हम पार पा जाएंगे, हम उसमें में लड़ने की क्षमता हमारी होगी, लेकिन जन्मकालीन दशा अगर हमारी गड़बड़ है तो बाद में अगर हमें अनुकूल दशा भी मिल रही है तो उसको भी लड़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको भी हम पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब इसमें मैं एक पत्रिका लगाता हूँ, ये पत्रिका मेरे पास बाहर से ये पत्रिका आई है, इसमें आप देखिए जरा सर, इसी पत्रिका में कोई और पॉइंट भी है बताने लायक, मतलब उन्होंने सवाल आपसे प्रॉपर्टी का पूछा बट कुछ और ऑब्जर्वेशन आपके रहे थे क्या इस पत्रिका में? हाँ, नहीं हमने तो देखो जितना इसमें एक चीज ये होती है कि जितना आपके पास कोई पूछे आपने उतना ही जवाब देना है उसको, बाकी आपने जो डिस्कस करना है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई देख सकते हैं इसके अंदर, कोई इसका लगन देख सकते हैं, लग्नेश देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, चंद्रमा देख सकते हैं, वो सब चीजें आप इसका देख सकते हैं कि भाई क्या है, जितनी भी चीजें हैं इसके ऊपर वो आप सारी चीजें को स्टडी करके बता सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट उसका यही प्रश्न था कि साहब मुझे फाइनेंशियल लॉस चालू हुआ 2017 से 16 से चालू हुआ मुझे फाइनेंशियल लॉस, और उसके बाद मेरा लॉस अब चुकता हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं किस्त देना मैंने स्टार्ट कर दिया है लेकिन क्या मेरी किस्तें पूरी होंगी, तो हमने उसे यही बताया कि भाई हो जाएंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हारी किस्तें सब पूरी हो जाएंगी, आप करिए आराम से, कोई दिक्कत। सर क्या आप जिस समय कोई प्रश्न स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो उस समय प्रश्न कुंडली के अभी हेल्प लेते हैं क्या ऐसे सवालों के टाइम पे? नहीं प्रश्न कुंडली के हेल्प मैं नहीं लेता नॉर्मली, मैं प्रश्न कुंडली के हेल्प नहीं लेता, प्रश्न कुंडली के हेल्प अगर कोई बहुत ज्यादा कोई वैसा क्वेश्चन होता है
कि जहाँ पे ये होता है जी हमारे पिताजी बचेंगे नहीं बचेंगे या ये ऐसा होगा नहीं होगा, कोई ऐसा केस है, तो वहां मैं प्रश्न कुंडली की हेल्प थोड़ी बहुत ले लेता हूँ नॉर्मली। अदरवाइज में जो होता है मैं इसी से बताने की कोशिश करता हूँ जी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक कुंडली है बाहर से मेरे पास आई है कैलिफोर्निया से, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप उसको जरा देखिए और उसमें बताइए। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा मैं इसी कुंडली में, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछो। इसमें सर पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर जी जी, क्या ऐसे व्यक्ति को मतलब इनका जो संतान वाला तो एक इनको संतान वाले इसमें क्या मतलब बच्चा एक तो ऑपरेशन से होने की संभावना क्या कही जा सकती है? बिल्कुल संतान जो है उसमें अबॉर्शन होने के चांसेस, ऑपरेशन होने के चांसेस, इस तरह की चांसेस इनके रहेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है, केतु भी वहां बैठा है। मेल चाइल्ड तो होगा सर इसमें इनके है जी, मेल चाइल्ड तो होगा सर, एक ही संतान होने के ज्यादा चांस, मेल चाइल्ड तो होगा। हाँ नहीं, चाइल्ड वाली बात अलग है, मतलब संतान देखिए केतु की दशा में, केतु की दशा में अगर बच्चा हो ना, मेल चाइल्ड का डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको अभी प्रैक्टिस चार्ट में हम लोग आगे आएंगे मेल चाइल्ड की, उस पर तब बताऊंगा मैं आपको। वैसे मेल चाइल्ड का मोटा मोटा आप ये लगाइए कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर अंतर और प्रत्यंतर दशा दोनों ही कंसीव के समय मेल ग्रह की हो, मेल प्लैनेट की हो, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा कंसीव के टाइम पे अगर दोनों मेल प्लैनेट की हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं कि मेल चाइल्ड ही होता है। और अगर वो पुरुष ग्रहों की नहीं है, स्त्री ग्रहों की है, तो स्त्री संतान होती है, फीमेल चाइल्ड होता है। तो वो इसको आप देख के, क्योंकि इसमें तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि साहब कितने ग्रह, पांचवें घर में कौन ग्रह बैठा है, पांचवें घर में कौन सी राशि है, पांचवें ग्रह पे, पांचवें घर पे किसकी दृष्टि है, वो मेल चार्ट मेल प्लैनेट है या फीमेल प्लैनेट है, वहां पे फेल राशि है फीमेल राशि है, सप्तांश में कौन सी राशि है, वो आप तो खैर देख सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इन्होंने पॉइंट ठीक पकड़ा कि केतु वहां बैठा है, मंगल की दृष्टि है, तो संतान भाव से संबंधित प्रॉब्लम तो इन्हें रहेगी रहेगी क्योंकि सातवां पांचवा भाव ये वाली। सर लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ये अपने वाइफ को इन्वॉल्व करके इसमें से निकलने की कोशिश करे तो ज्यादा अच्छा ना रहे, बताइए क्यों? ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सप्तमेश है मंगल। हाँ तो वो एक तो इनको शादी के बाद धन प्राप्ति हुई होगी, एक तो ये भी हो सकता है मतलब ऐसे देखा जाए तो, और दूसरा पत्नी जरूर मदद करेगी धन प्राप्ति में, तो हाँ, पत्नी से ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें सबसे पहले और बिजनेस ज्वाइंट करें। हाँ और उससे के थ्रू पेमेंट करें तो शायद उनको थोड़ा फास्ट रिकवरी मिले, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं मैं आपको वैसे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए बता दूं, आप लोगों ने ठीक ये करा है, ये जॉइंट अकाउंट इनका ऑलरेडी वहां पर जॉइंट अकाउंट है जो इनका है, मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम से, दोनों के नाम से इनका करंट अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपनी जो है इनके दोनों के नाम पे ही अवेलेबल है, दोनों के नाम पे ही है, और जिसका ये प्रॉपर्टी वाली जो कंपनी है। और तभी वो बाहर निकल पा रहे हैं, वरना नहीं निकल, तभी वो बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम, वरना नहीं होता। श्रीमती जी की भी कुंडली देख करके फिर निष्कर्ष निकलता। हाँ तो ज्यादा क्लियर होता, लेकिन इससे मोटा मोटा तो पता चल ही जाता है, इससे मोटा मोटा मालूम चल जाता है, इससे वो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो मोटा मोटा मालूम चल जाता है। मेल है, 21 अगस्त 2005 की कुंडली है ये, 21 अगस्त 2005, का कैसे हो रहा है ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ ना आपके ये सब चीजें, इसको फिर प्रैक्टिस करके देखिएगा, उसमें कोई और चीजें प्रॉब्लम नजर आए तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास का मिलेगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा 100% जी, ठीक रिकॉर्डिंग मिलेगा। बारह अठारह यूएस का इसमें देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट आए
अरब एमिरेट्स यूनाइटेड किंगडम देने के ऊपर ही यूनाइटेड स्टेट्स का सिंबल या फिर पर्टिकुलर नेम्स होंगे वहां के अमेरिका लिखिए ना नहीं अमेरिका से तो नहीं होगा यूएसए ही आना चाहिए तो यूएस स्टेट किसी स्टेट का नाम होगा पर्टिकुलर हां स्टेट का तो है स्टेट का नाम एक यहां स्टेट का नाम डालता हूं कैलिफोर्निया तो आई है ऊपर चेंज नहीं होगा कंट्री तब तक नहीं पहले कंट्री चेंज करिए हाँ वही मैं कंट्री चेंज करने की बात कर रहा हूँ ना कि खाली इंडिया की जगह यूएसए डालना है ना ऊपर का ए से देखिए ना कौन सा है तब मिलेगा शायद सबसे ऊपर यूएसए ही है सबसे बड़ा यूएसए बड़ा इसका मेन ऑफिस ही यूएसए में है इसलिए हाँ लगता है ऐसे ही है हाँ है यूएसए में यस यूएसए में ही है अब आ जाएगा कैलिफोर्निया वो तो जे जे ओरा में भी वैसा ही है बेसिक बाय डिफॉल्ट वो अमेरिका यूएसए ही लेते हैं या अदर देन यूएसए ऐसा है सिलेक्शन में अलबामा नहीं है सर ये नीचे आ गया है कैलिफोर्निया ये पढ़ा था ऊपर तीन ऊपर हाँ यही है यही है यही कैलिफोर्निया है ठीक है और ये शहर इनका है कैलिफोर्निया में न्यूपोर्ट इक्कीस दिसंबर 2005 है ये 21 अगस्त कर दिया मैंने 21 दिसंबर 2005 हाँ अब ये बच्चा जो है इनका एक क्वेश्चन आया था माता पिता इनके बहुत रिच हैं और इनका एक क्वेश्चन आया था कि भाई आप जो है ये बताइए कि हमारा बच्चा गेम्स में इनके माता पिता का एक बिजनेस है डिजाइनिंग का और काफ़ी अच्छे पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे बहुत वेल प्लेस्ड बिजनेस है इनका और ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है फुटबॉल वुटबॉल बहुत खेलता है तो क्या हम उसे कैरियर फुटबॉल के अंदर ही बनाएं या उसको बिजनेस में लेके आए अपने वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी वो उनका क्वेश्चन उनका इसके अंदर था तो हम लोग इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये है कि खेलकूद में उसका जो इंटरेस्ट दिखाई पड़ता है वो वास्तव में दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है दूसरा बात यह है कि क्या उसे खेलकूद में ही आगे अपना करियर बनाना चाहिए या उसको बिजनेस में फादर के साथ या अपना जो भी है बिजनेस करना चाहिए डिजाइनिंग का क्या उसे करना चाहिए तो आप दो मिनट इस कुंडली को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए देन वी विल स्टार्ट और हम कोशिश करेंगे इस बार दीपाली जी आपको बोलिएगा कि थोड़ा बहुत जो भी समझ में आए इस कुंडली से वो बोलिएगा सर इस कुंडली को देखकर मुझे कुछ जो समझ आ रहा है सर मैं ऐसे बता रही हूँ हाँ, बताओ जो समझ आ रहा है जो खेल कूद है सर वो हम थर्ड हाउस से सर खेल कूद सर हम थर्ड हाउस से देखते हैं बिल्कुल सर इसका जो लॉर्ड है वो अपने से जो है नवम गया हुआ है सर नवम गया हुआ है जो कि ठीक है बट सर इसके जो इसके अलावा सर मंगल को भी देखना होता है खेलकूद के लिए तो सर वो अपनी ही स्वराशि में ही अपने ही उसमें बैठा हुआ है और षटबल में बहुत बलशाली है
तो सर मुझे लग रहा है, और वैसे भी सर अगर हम शुक्र का और मंगल का वो देखें तो ये 4:10 का बैठा हुआ है, तो सर ये भी ठीक लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एज अ प्रोफेशन इसको ले सकता है। अच्छा ठीक है, दिलीप जी आप बताइए। जी सर, पहले तो जो दीपाली जी ने बात बताई मैं भी एग्री करता हूँ, थर्ड का लॉर्ड शुक्र एकादश भाव में है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। तो थर्ड का जो लॉर्ड है वो एकादश भाव में बैठा है, नवम भी, और एकादश में जो है थर्ड में साहस में और स्पोर्ट्स में वृद्धि करेगा। साथ में हम जो मंगल को देखते हैं इसका कारक जी, वो मंगल भी जो आपने अभी बताया सटबल अच्छा है और मंगल स्वग्रही है, यस, तो वो अच्छा फोर्स के साथ इसको काम करवाएगा। उस पे लग्नेश की दृष्टि है। साथ में जो काल पुरुष में देखते हैं थर्ड हाउस बुध, बुध भी इसके भाग्य भाव में बैठा है, तो सारी परिस्थितियां अच्छी बन रही है। मतलब आपके हिसाब से ये खेल में अगर प्ले करे तो खेल के अंदर काफी इम्प्रूव कर सकता है। हाँ जा सकता है जी, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई देसाई साहब आप बताइए। उस पे, उस पे गुरु की दृष्टि भी है मंगल पे, तो वो भी अच्छा है, लग्नेश की दृष्टि है। हाँ, एक ही है कि कुछ दिक्कत आएगी पढ़ने, मतलब इंजरी वगैरह हो सकती है इसको। यस, मैं यही सुनना चाह रहा था इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात आपकी है कि मंगल या गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है लग्नेश पे, तो थोड़े इंजरी होने के चांसेस है। और थोड़ा सा एक चीज और भी है इसमें, आपने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था कि चंद्रमा भी देखिए, चंद्रमा इसका पाप कतरी में है, एक तरफ शनि है और एक तरफ केतु है, चंद्रमा पाप कतरी में होने की वजह से ये थोड़ा जल्दी नर्वस होने वाला बच्चा है, बच्चा जल्दी नर्वस हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि यार गोल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नर्वस हो गए, तो इस तरीके से नर्वस होने वाला बच्चा है। ठीक है खिलाड़ी, आप सबने बहुत अच्छा बोला कि ये बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, और अच्छा खिलाड़ी है भी फुटबॉल का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी है इसके साथ कि इसको एक तो इंजरी लग सकती है, और इंजरी इसे लगती रहती है, कि मंगल की दृष्टि हो पा रही है। बिल्कुल भी सर। हाँ पढ़ाई में सर, एक सर और मैं कहना चाहूंगा कि सर, हाँ बोलो बोलो, इसमें इसमें लग्नेश का अष्टम में जाना इसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेगा। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, एक बार हो सकता है पीक पे पहुंच जाए लेकिन इसको फिर सडनली लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो उसको इस चीज से उभरना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, इसकी जो दशा थी सर शुरू की, अगर दशा देखे तो शुक्र की थी, शुक्र जो है थर्ड लॉर्ड है तो वो बहुत अच्छा है, ये शुरू से स्पोर्ट्स में इसका रुझान रहा होगा, और वर्तमान में जो दशा है वो शुक्र की है, तो इसके लिए टाइम पीरियड ये बहुत अच्छा है, अगर इसको जो कुछ करना है इसी पीरियड में स्पोर्ट्स के फील्ड में अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड एक इंजरी बचा ले और दूसरा अपने मोरल को हमेशा बूस्टअप करे, क्योंकि इसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने कुंडली देखी, मुझे तो लगता है कि कुंडली सब लोग बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम सही चीज आप बता रहे हैं सर, आपकी ब्लेसिंग से सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, आपसे ही सीखे हुए हैं। गुरु 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 के सामने सर, गुरु के सामने ही कुछ हम लोग बोल पाते हैं, अदर वे देखेंगे तो शायद ना इंटरप्रेट कर पाए। नहीं नहीं, आप ऐसे बोल पा रहे हैं तो समझिए कि आपने सब कुछ मोर्चा ले लिया, पूरा एकदम मोर्चा मार लिया आपने, जो बिल्कुल सही बोल पा रहे हैं आप, सही बात कर रहे हैं बिल्कुल, कि अगर ये जिन्होंने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि गेम में अगर ये रखते हैं और अपने को नर्वस होने से बचाते हैं, थोड़ा इंजरी पे कंट्रोल करते हैं तो चलते हैं, लेकिन एक चीज इनकी कुंडली में ये दिखाई पड़ती है कि आप ये देखो कि मंगल इनका धन भाव में बैठा है, तो मंगल धन देगा, देखिए जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस ग्रह के फल करता है, ये तो आप जानते ही हैं, और उस ग्रह के फल करता है कहां से करता है, वो करेगा जहां का वो स्वामी है, वहां का सोर्स बना के करेगा, उस भाव को सोर्स बना के करेगा, तो मंगल फर्स्ट भाव, ठीक है, तो नाइन्थ भाव का सोर्स बना के करेगा, यानी मंगल धन देगा, तो हो सकता है कि मतलब पिता के थ्रू धन दे बहुत ज्यादा, तो इसमें इनको इसलिए बोला गया कि देखिए अगर बच्चा आपको, क्योंकि इंजरी प्रोन है थोड़ा, और मेंटली थोड़ा शनि और केतु के उसमें ये है, और इस चीज को करना बड़ा मुश्किल है,
तो इसके लिए अच्छा है, गेम करता रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फादर का बिजनेस भी ये ज्वाइन कर सकता है क्योंकि धनी से फादर से मिलना है और फादर का बिजनेस ज्वाइन करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा इंजरी की वजह से और थोड़ा नर्वस होने की वजह से थोड़ा दिक्कत के साथ हो जाती है, और खेल के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि नर्वस सिस्टम आदमी का बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेंटली उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको बोला गया कि भाई आप फादर का बिजनेस में अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर खेल कूद में भी रहना चाहते हैं तो खेल कूद में ये कहाँ तक पहुंच सकता है, क्या बन सकता है, कैरियर क्या हो सकता है इसका, कैरियर निर्धारक ग्रह कौन सा हुआ इसके अंदर? गुरु होंगे सर, सन भी है, दशम भाव के स्वामी तो गुरु है, गुरु है, कैरियर लॉर्ड और गुरु गुरु के ही नमाज़ में है सर। नहीं देखिए, अगर अगर कोई ग्रह दसवें भाव में बैठा हो, सबसे पहले तो आपको दसवां भाव देखना है। दसवें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो वो कार्य का निर्धारक होता है। दसवें भाव में गुरु सूर्य बैठा है तो इन्हें सूर्य की तरह से कार्य करना पड़ेगा, ये तो यह पक्की बात है। और अगर दसवें भाव में ग्रह कोई नहीं होता फिर आप देखते कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश तीनों में से कौन सा बलशाली है, और उससे दसवां भाव देखते और उस दसवें भाव का स्वामी किस नवांश में गया है, उस नवांश का स्वामी देखते, तब आप बताते कि हाँ ये कार्य निर्धारक ग्रह है। लेकिन कार्य निर्धारक ग्रह जब कोई ग्रह बैठा है, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु को आपको नहीं लेना है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह अगर दसवें भाव में बैठा है तो वो आपका कार्य निर्धारण करेगा। दसवें भाव में दो से अधिक ग्रह बैठे हैं, दो या दो से अधिक बैठे हैं, तो जो षट बल में बली होगा वो आपका कार्य निर्धारण करेगा, और आपकी दशा भी कार्य निर्धारण करती है। देखिए अब क्या है, इसकी दशा सूर्य की आने वाली है सारा टाइम। अब दशा इसकी जो 10 साल की स्टार्ट हो जाएगी वो सूर्य की स्टार्ट हो जाएगी शुक्र के बाद। सूर्य जो है वो कोच का कारक है, मतलब ये अच्छा कोच बन सकता है बड़ा होके, एक अच्छा कोच की ट्रेनिंग मतलब लोगों को दे सकता है फुटबॉल के अंदर, इस तरह की चीजें ये कर सकता है। सर वैसे अगर आगे जाना चाहे, वैसे भी आप नाइन्थ लॉर्ड जो है हाँ उसको भी तो आप मतलब उच्च शिक्षा या हायर उसके लिए नाइन्थ हाउस को देखते हैं जी, और उसी का स्वामी जाके वहां पे सेकंड में बैठा है, तो वैसे भी वो कोचिंग में ज्यादा फायदा रहेगा उस इसको। हाँ कोच बने ज्यादा फायदा रहेगा कि उसकी दशा भी सूर्य की आने वाली है। हम जो जॉब देखते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बताया था कार्य निर्धारक ग्रह के अंदर कि जो कार्य पहला जो पहला ग्रह तो वो जो दसवें भाव में बैठा है, दूसरा वो जिसकी दशा आने वाली है, और तीसरा वो जो सबसे बलशाली ग्रह है षटबल के अंदर, सबसे बलशाली ग्रह तो मंगल है षटबल के अंदर, लेकिन मंगल की दशा आने वाली नहीं है, सूर्य की दशा आने वाली है और सूर्य ही कार्य निर्धारक ग्रह है, तो वो अपनी तरफ ही खींच के लेके जाएगा इसको। अल्टीमेटली ये क्योंकि इंजरी प्रोन है, थोड़ा चोट लगती रहती है, थोड़ा वो सिस्टम है, खेल में नहीं कोच के संबंध में इसकी प्रोग्रेस अच्छी दिखाई पड़ती है, और बिजनेस फादर के साथ करे तो ये बहुत अच्छा है। वैसे आप लोगों ने सबने अच्छा बताया कि खेल कूद में परफेक्ट है और बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, और ये भी उनके फादर फादर ने कंप्लेंट करी कि ये बहुत जल्दी नर्वस। एक पॉइंट और भी है सर कि जो 10th हाउस है ये शुभ कर्तरी में है और सूर्य भी शुभ कर्तरी में है, तो बिल्कुल सन से और प्रोफेशन तो इनका अच्छा होना चाहिए, सन से लाभ होगा और प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा इनका, प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा इनका, बिल्कुल ठीक बात है, शुभ कर्तरी के अंदर है, आपने सही देखा है बिल्कुल, ये सूर्य प्रोफेशन भाव। हाँ इसमें सर देखिए चूंकि सूर्य सीधे पिता का कारक हो जाते हैं और कार्यस्थल में बैठे हैं तो पिता वाले कार्य का एक तो वो हो गया, दूसरा नवमेश भी द्वितीय बैठे जो धन आना है, तो कार्य में और जो धन का आने का जो रास्ता है दोनों में पिता की भूमिका बन रही है, तो जो जो व्यवसाय पिताजी कर रहे हैं, हेलो बिल्कुल बिल्कुल, तो जो पिताजी का जो व्यवसाय है ये उसी को ज्वाइन करने का संभावना ज्यादा लगती है। बिल्कुल यही इनसे कहा गया है कि आप पिताजी का व्यवसाय ज्वाइन कर लीजिए, साथ में खेलते रहिए, खेलना बंद मत कीजिए, बट व्यवसाय भी ज्वाइन कीजिए, आप अगर खेलते हैं खेल खेल के आप बाद में थोड़ा कोच बन सकते हैं, आप कोचिंग करते रहिए, बट इट इज बेटर कि आप व्यवसाय करें, क्योंकि पिता की भूमिका ज्यादा लगती है इसके अंदर, इनके सारे कार्य में निर्धारण में इनके धन आने में वो पिता की भूमिका लगती है। ठीक है, ये आप लोगों ने सही बताया। दीपाली इसमें कोई प्रॉब्लम? स्पोर्ट्स प्रोफेशन नहीं हो सकता है इनका। हाँ स्पोर्ट्स प्रोफेशन नहीं हो सकता, इनको प्रोफेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, अच्छा गुड।
प्रोफेशन तो फैमिली बिजनेस ही होगा इसका। एक कुंडी और लगाते हैं, ये ठीक चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आगे से जो कुंडली हम लोग लगाया करें कैसे आप लोग स्टार्ट करना चाहेंगे? मतलब मेरा विचार तो ये था कि हम लोग एक बार शुरू करें विवाह ही कुंडली, तो विवाह ही कुंडली देखें, प्रोफेशन की देखें तो प्रोफेशन की देखें, या आप कोई भी कुंडली आप लोग चाहते हैं, जैसे कि आप चाहें तो खुद सर्कुलेट कर दें कुंडली, कोई कुंडली आपके पास हो ग्रुप में डाल दें तो हम लोग सब उस कुंडली को देख कर आएं और यहाँ आके डिस्कस करें, या मैं कुंडली जो मेरे पास आती है मैं कुंडली वहां डाला करूंगा ग्रुप के अंदर, आप उनको देख के आए और उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करें उस चीज को, ठीक है ना? अभी यही ठीक रहेगा सर, अभी आपके मार्गदर्शन में थोड़ा बहुत एक बार अपना वो आ जाए, फ्लो बन जाए, एक बार फ्लो बन जाए फिर अपना अपना डाले, एक लेक्चर ऐसे चलते हैं फिर देख लेते हैं कैसा करेंगे, क्योंकि अभी ये आप जो आपके पास ऐसे जो क्वेरीज आते हैं तो उसे ज्यादा हमको भी थोड़ा बहुत आपसे सीखने को ज्यादा मिलेगा, जो हमारा कुछ जो फाइनर पॉइंट रह जाते हैं तो आपसे गाइडेंस लेके उसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सर मैं ये कहना चाहूंगा इसमें जो आपने जो इनिशियल थॉट रखा था कि एक विषय को लेकर के उस पर करें, तो कुंडली जनरल चर्चा तो कर सकते हैं, बट एक जो विषय मान लीजिए विवाह की बात कर रहे हैं तो उस उन कुंडली में उस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर टच किया जाए ताकि एक वो स्ट्रक्चर्ड वे में चीज आगे बढ़ती रहे। वो तो बिल्कुल ठीक है। जब मैं विवाह के बारे में आपको जब मैं कुंडली लेकर आऊंगा ना, देखिए ऐसा है मेरे पास कुंडली हर तरह की है, मेरे पास विवाह की कुंडली भी है जो क्वेश्चन सक्वेरी आई है, मेरे पास प्रोफेशन की कुंडली भी है, मेरे पास एक्सीडेंट की कुंडली भी है, मेरे पास डेथ की कुंडली भी है, वो सब कुंडली है, वो सब कुंडली धीरे धीरे मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा और सबकी क्वेरी आपको बताऊंगा, जिसमें जो पॉइंट ज्यादा होगा उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, बाकी पॉइंट को थोड़ा कम हाईलाइट करेंगे, वो तो हम उसके अंदर लेगी लेंगे। कुंडली हम सारी स्टडी करेंगे लेकिन जो पॉइंट जो पूछा है मेन, जैसे विवाह कुंडली है तो उसमें विवाह ज्यादा आइडेंटिफाई करेंगे, भाई विवाह जीवन में प्रॉब्लम से कुछ होगी नहीं होगी, कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो सकता, अगर डाइवोर्स होगा तो क्या हो, क्यों होगा, कैसे होगा, किस दशाओं में होगा, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे सारी चीजें इसके अंदर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर टॉपिक वाइज। हाँ, तो वो सब आ जाएगा, तो मैं आपको कुंडली धीरे धीरे लेकर आऊंगा। हाँ, हर हर एक एक वन बाय वन टॉपिक अपन टच करते रहेंगे तो वो ज्यादा रहेगा। निवेदन यू है जी कि ये कुंडली यदि एक दो दिन पहले ही डाल दी जाए तो हम लोगों को अच्छा समय मिलेगा, अदरवाइज अभी हम थोड़ा फास्ट और वो हचपच की। हाँ हाँ, ये यही मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने दरअसल क्या था जानबूझ के इसलिए नहीं डाला था कि मैं थोड़ा केवल आप लोगों का ये चेक करना चाह रहा था कि आप लोग कुंडली थोड़ा कैसे चेक करना स्टार्ट करते हैं। आगे से नेक्स्ट वीक से मैं कुंडली आपको दो तीन चार कुंडली जो भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है पहले ही डाल दूंगा और उनकी क्वेरी भी लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, ठीक। तो आप उसको देख कर आइए और देख कर आके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ठीक रहेगा? हाँ जरूर जरूर, और दूसरे भी उस पर जो पॉइंट दिखते हैं तो वो भी हम अपने हिसाब से, मतलब जो क्वेरी के अलावा से कोई पॉइंट उसके अलावा कुछ चीज दिखाई पड़ती है जो सिग्निफिकेंट पॉइंट, तो वो भी आप देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है तो आप उसको बाकी चीज तो बताते ही हो, लेकिन साथ में अगर आप उसको एज ए बोनस ये कह दो भाई ठीक है यार सब कुछ बढ़िया है ये काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये पीरियड चल रहा है इस पीरियड में थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना या अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना, तो वो आदमी को थोड़ी उससे एक सपोर्ट और एड मिल जाती है। तो ऐसी भी कोई सिग्निफिकेंट चीज क्वेरी तो उसकी नहीं थी, उसी क्वेरी विवाह के बारे में नहीं थी, उसी क्वेरी हेल्थ के बारे में नहीं थी, क्वेरी उसकी थी किसी और चीज के बारे में, वो आपने बता दी उसको, लेकिन अगर आपने एज ए बोनस उसको यही बोल दिया कि भैया अपना थोड़ा ये टाइम आ रहा है तेरा एक आध साल इसमें जरा विवाह का ख्याल रखना, तो जरा बंदा ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो चीज भी आपको देखनी है कुंडली के अंदर देख ही रहे हैं। ऐसा करेंगे ना हम उस पे ग्रुप पे जो भी पॉइंट आते हैं जैसे शादी या तो जिसको जो दिमाग में आता है वो एक बार पोस्ट कर ले तो आपको भी आसानी रहेगी वो शॉर्ट लिस्ट करने में। नहीं नहीं पॉइंट जैसे शादी है से, जैसे बच्चे हैं, हाँ, शादी है, बच्चे हैं या ये बिजनेस या मतलब किस तरह से स्टडी के मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से मैं जो चाह रहा हूँ देसाई साहब मैं वही चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको कुंडली सर्कुलेट करूँ आप उन कुंडली को स्टडी करके आइए फिर हम कुंडली लगाएंगे
और एक एक करके दो तीन लोग हम एक कुंडली तीन लोगों से ऐसे करके हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और मालूम चल जाएगा। सबको इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा अच्छा, सबको इन्वॉल्व होगा तो सारा मालूम चल जाएगा। हमारे बैच में कोई बहुत ज्यादा लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं जितने मैं सोच रहा था, या तो आज आए नहीं है या थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जितने भी हैं ये अच्छा है, कोई बात नहीं। उतना ही हम लोग सब इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको बताया आज कुंडली देखते हुए कि एक तो लगन आपको जरूर देखना है कि लगन कैसा है। हमेशा जब भी कोई कुंडली आए तो उसके लगन पे दृष्टि डालिए, लग्नेश पे दृष्टि डालिए, चंद्रमा पे दृष्टि डालिए, चंद्रमा कहाँ गया है, उसके सूर्य पे दृष्टि डालिए कि सूर्य कैसा है, उसका पीड़ित तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है। जन्मकालीन दशा जरूर देखिए उसकी कि जन्मकालीन दशा कैसी है, ये चौथा स्टेप आपका हो जाता है। पांचवा स्टेप आपका यह है कि तीनों त्रिकोण चेक कीजिए, पहला पांचवा और नवा भाव। तीन त्रिकोण में से अगर दो त्रिकोण बढ़िया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी कुंडली बढ़िया है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन तीन त्रिकोण में से दो त्रिकोण अगर अच्छे नहीं है, पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो प्रॉब्लम होगी कुंडली में। अच्छे राजयोग बनते हुए भी आपको प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है अगर तीनों त्रिकोण में से दो त्रिकोण आपके खराब हैं। तो इस केस में तो दो त्रिकोण खराब ही है इनके केस। हाँ ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं तो उसको तो हमने ये चीज नहीं बताई है ऐसा करके, लेकिन ये बताते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मतलब उतनी प्रोग्रेस आदमी नहीं कर पाता अगर तीनों त्रिकोण में से दो त्रिकोण खराब हो। दो त्रिकोण अच्छे हो तो बढ़िया कुंडली होती है, ठीक है ना। तो ये आप चीज थोड़ा सा देखिए इसके अंदर। पुरुषी कुंडली हो तो चंद्रमा और शुक्र जरूर देखिए, अगर चंद्रमा और शुक्र पीड़ित है तो उसका वैवाहिक जीवन खराब रहता है, स्त्री सुख उसकी कुंडली में नहीं होता। और स्त्री की कुंडली हो तो सूर्य गुरु और मंगल जरूर देखिए कि अगर सूर्य गुरु और मंगल तीनों पीड़ित हैं तो ऐसी स्त्री के जीवन में पुरुष का सुख नहीं होता। ये मोटी मोटी बात है जो 7-8 आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद तो जो क्वेरी है उस बंदे की, वो क्वेरी को अपने जब पूछ चलना ही है कि किस भाव से संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है, वो क्वेरी को देखेंगे आप तो आपको अपने आप ही आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए। ये चीज ध्यान रखनी। तो अब एक पत्रिका हम और लगा लेते हैं, मेरे पास एक पत्रिका और है जो आई है, वो भी हम इसको लगा लेते हैं। ये पूछते हैं कि इनका, अच्छा इसमें एक पत्रिका है खाली, इसमें आप जस्ट एक जनरल, कोई स्पेशल क्वेरी नहीं है। इन्होंने वैसे ही पूछा कि जी मेरे चार्ट के बारे में कुछ बताइए, तो आप इनको थोड़ा ओवरऑल रीडिंग करके देखिए क्या व्यूज आप इनको देते हैं। आप थोड़ा वैसे ही बस ओवरऑल रीडिंग करके बताइए इनके बारे में, कोई स्पेशल क्वेरी इनकी नहीं है। ये पत्रिका है मेल चार्ट, मेल है और डेट ऑफ बर्थ इनकी है 5/7/1976 7:12 सुबह का समय है। रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में जगह है पीलीभीत। कर्क लगन की कुंडली बनती है, शनि लगन में बैठा हुआ है, चंद्रमा इनका कन्या राशि में है। तो इस कुंडली को आप 2 मिनट देखिए और इस कुंडली का जैसे मैंने बताया आपको उस तरह से पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लगन देखिए, लग्नेश देखिए, चंद्रमा देखिए, सूर्य देखिए, फिर जन्मकालीन दशा पे कुछ कमेंट कीजिए, इस तरह से आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। तीनों त्रिकोण देखिए, तब थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। और तब कोई स्पेसिफिक बात हो तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। कोई राजयोग बन रहा हो कुंडली में वो चेक कर लीजिए। तो आप 2 मिनट इस कुंडली को देखिए।
हाँ कोई बोलना चाहेगा? रितेश पाठक जी आप बताइए जरा थोड़ा सा कुंडली के बारे में, जैसे मैंने बताया वो पॉइंट देख के खाली, अभी हम लोग कोई क्वेरी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली ये देखना है कि लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, कहाँ गया है लग्नेश, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा कहाँ गया है, सूर्य कैसा है, कहाँ गया है, जन्मकालीन दशा कैसी है, और दशा का सीक्वेंस भी देखिए। मैं इसलिए सिंगल दशा कर देता हूँ एक आपके इस पे, दशा का सीक्वेंस भी देखिए कि दशा जो मिली इनको जन्म से वो किस किस ग्रह की मिली और किस किस उम्र के पड़ाव पे मिली। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दशा का मिलना कि किस पड़ाव पे मिलती है। अब शुक्र की दशा, जैसे हम लोग कहते हैं कि शुक्र की दशा आदमी की प्रकृति को चेंज करती है, शुक्र की दशा अगर टीनेज के अंदर मिलती है, बच्चा टीनेजर होता है उस दशा में मिलती है, तो बच्चा के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और यही शुक्र की दशा अगर 60 साल के आदमी को मिले, हम जैसे लोगों को मिले, तो हम भी रंगीन कपड़ा पहनना चालू कर देते हैं कि मतलब ये स्थिति हो जाती है शुक्र की दशा के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र की दशा से भी आपने दशा, महादशा भी आपने चेक करनी है कि कौन कौन सी महादशा इसको मिली है और उम्र के किस पड़ाव पे मिली है, क्या फर्क उसका रहा होगा। ये सारी सीक्वेंस को आप एक बार देखिए, दशा सीक्वेंस देखिए जन्म से लेके अब तक की, कौन कौन सी दशा मिली जन्म से लेके इसे अब तक, और कैसा सीक्वेंस, कैसा दशा रही होगी, टाइम रहा होगा इसका, ये जरा देखने की कोशिश कीजिए। रितेश जी आप जरा बोलिए, कुछ बोल सकते हैं तो। ये सर क्या फैमिली बिजनेस में है क्या? जी ये ठीक बताया आपने, बिजनेस की बिजनेस फैमिलीज के हैं, हालांकि इन्होंने वैसे तो हमारी कुंडली चुकी इनके पास आई थी तो इन्होंने मुझे दिखाया था, तो बस वैसे ही ये चार्ट अपना जस्ट देख रहे थे जी, मेरा एक चार्ट ऐसी देखी है थोड़ा सा। आपने ठीक बताया फैमिली बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस के चांसेस है। बट इनके में जो अगर पॉजिटिव भी है तो कुछ, अभी जो प्रेजेंट दशा चल रही है वो सैटर्न की और सैटर्न लग्न में है ये, और सैटर्न अष्टमेश भी है और लग्न में बैठे हैं, तो ये थोड़ा इनके लिए बीमारी वाला सीजन हो सकता है कि इनको कुछ दीर्घकालिक रोग टाइप की समस्या हो सकती है, इस पे इनको हेल्थ इश्यूज इनको रहेगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर देखिए लग्न में पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है, तो ट्रेडिंग अगर जैसे अभी बिजनेस में है तो अगर कुछ मतलब इस तरह की फ्रेंचाइजी ले लें, कुछ इस तरह से फॉरेन रिलेटेड चीजें करें तो शायद फायदा हो। आपने बिल्कुल ठीक बताया, हेल्थ इश्यू इनके होंगे क्योंकि लगन जो है उसमें शनि बैठा हुआ है, ऑल्दो लगन में शनि बैठने से आदमी को हार्ड वर्किंग भी बनाता है जी, तो लगन में शनि बैठा है, लग्नेश जो है इनका अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, और दशा भी उनकी है और लग्न के लिए फेवरेबल नहीं है, शनि स्टेबल नहीं है, मूल त्रिकोण राशि उसकी अष्टम में है, अष्टम में, और चूंकि चंद्रमा का लग्न है तो शनि फेवरेबल उस लग्न के लिए होते नहीं है, कारक होते नहीं है, बिल्कुल कारक नहीं है। ये तीनों सिचुएशन में सैटर्न की दशा इनके लिए थोड़ी सी कठिन रहेगी, प्रॉब्लम है तो ये हेल्थ इश्यूज इनके रहेंगे। सबसे ज्यादा अगर कुछ ध्यान देना है इस वर्तमान समय में 36 तक तो सिर्फ हेल्थ पे ध्यान देना है इनको, हेल्थ अगर ये अच्छा कर लेंगे तो मेहनत कश है आदमी कर लेंगे और बिजनेस भी इनका अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, इनका हेल्थ इश्यू है, मैंने यहां ये नोट किया हुआ है, हेल्थ इश्यू इनकी प्रॉब्लम थी यही इनको बताया गया कि हेल्थ इश्यू है, तो यही बोल रहे थे कि जी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हैं,
तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। इनको इनको सर अगर मैं और डिटेल, इनको पाइल से संबंधित है क्या सर समस्या? नहीं पाइल से संबंधित नहीं, नहीं, नहीं को एक तो शुगर बहुत हाई है, शुगर इनकी बहुत हाई है, बीपी इनको रहता है काफी ज्यादा रहता है बीपी, दवाई खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आता, दवाई खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आती, तो इनकी ये हेल्थ इश्यू इनको चल रहा है काफी। ये इसलिए बोल रहा था कि अष्टमेश है, शनि और मंगल अष्टम को देख रहा है तो मतलब ज्यादा चांसेस बनते हैं। वो मेडिकल वाला जो थोड़ा सा मैं पार्ट आपको कुंडली में लास्ट में टच करूंगा, लास्ट हम लोग करेंगे कुछ कुंडली करेंगे उसके ऊपर जब हम बताएंगे कि रोग कैसे देखते हैं। और कुछ बताइए इसका मतलब, तीनों त्रिकोण देखिए कैसे हैं सर, जैसे इनका बुध बारहवें में है तीन ज्यादा सोचते भी होंगे अननेसेसरी, बुध बारहवें में है क्या बोला दीपाली तुमने? तो अभी है तो सर मैं कह रही हूँ बुध जैसे ये बारहवें में है तो ये इंसान ज्यादा सोचता भी होगा और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी इसको कम होगा क्योंकि ये पापकर्त्री में भी लगन जो है, लगन पाप कतरी में है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है पाप कतरी का वो क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी बैठा हुआ है साइड में, पर फिर भी आपकी बात ठीक है कि पास पास बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही है उसके ऊपर, और साथ में राहु केतु का प्रभाव भी लगन के ऊपर है, केंद्रीय प्रभाव तो वो भी थोड़ा उसको करता है, तो ये तो हमारी डिसाइड हो ही गया कि हेल्थ का मैटर तो इसके साथ बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इनका? घर में तो सर प्रॉब्लम है, शनि शयन के घर को देख रहा है। वैवाहिक जीवन के प्रॉब्लम कैसे लग रही है आपको? सर ये इसमें सर एक तो चूंकि सप्तमेश भी पाप लग्न में बैठ मतलब पाप कर्तरी में आ जाते हैं तो वो पार्टनर भी थोड़ा सा परेशान देखेंगे समझ में आते हैं कुंडली के हिसाब से। यूजुअली कर्क लग्न में ऐसा भी देखा जाता है कि थोड़ा सा चैलेंजेस कुछ व्यवहार में ज्यादा रहते हैं, बट अभी तो सप्तमेश के पाप कर्तरी में होने के कारण संभावना थोड़ा सा ज्यादा वो लगती है, और शुक्र भी जो है सूर्य के साथ बैठे हुए द्वादश में तो वो भी एक तरीके से मतलब शुक्र कारक हो गए स्त्री के और सूर्य के साथ उधर द्वादश में बैठे हैं तो हो सकता है पत्नी थोड़ा दूर रह रही हो या कुछ। लेकिन शुक्र बारहवें में होने से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, शुक्र बारहवें में सही है, शुक्र का इश्यू नहीं है लेकिन फिर नहीं, नहीं, देखिए शुक्र एज ए ग्रह जैसा साहब शुक्र एज ए ग्रह बारहवें में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर शुक्र एज ए कारक तो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कारक छह आठ बारह में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट, ऐसे कारक छह आठ बारह में उसका बैठना वो अच्छा नहीं होता, तो बारहवें में ठीक कहा उन्होंने कि बारहवें में शुक्र गया हुआ है, सूर्य से अस्त है शुक्र वहां जाके, और चलो अस्त भी ना मानो तो कम से कम शुक्र बारहवें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है वहां पे। लेकिन सर ये यदि फॉरेन से कुछ भी और राहु की दृष्टि भी है वहां पे उसके ऊपर। हाँ अब बताओ अभी हम विवाही का देख रहे हैं खाली, नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ यदि ऐसा कुछ हो जाए तो उसका वो कारकत्व एक्टिव हो जाता है फॉरेन का। देखिए उनका फॉरेन का इलेवंथ लॉर्ड है वो, बराबर है, शुक्र इलेवंथ लॉर्ड भी है तो फिर वो हो जाता है एक्टिव तो ये पोर्शन माइल्ड हो जाता है, ये उनको मतलब जो बोलते हैं रेमेडी दूसरी साइड से हाँ, वो ये समझिए हाँ, कि दूसरी तो साइड से उनके लिए एक अलग हो गया। वो जो दो लाइन वाली जो कहानी थी छोटे थे पढ़ा देते ना तो ये दूसरी लाइन बढ़ गई तो अपने आप वो छोटी हो जाती है नीचे वाले, ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ। तो ताकि तो एक तो शुक्र ट्वेल्थ में है सो लग्जरी है, एक्सपेंस होगा तो कोई बात नहीं, इनकम यहाँ से जा बाहर से आ रही है एक्सपेंस होगा, और दूसरा जो सेकंड लॉर्ड है वो भी ट्वेल्थ में है तो ये मुझे आवाज नहीं मिल रही है। शनि की अपनी दृष्टि है, शनि की अपने भाव पे सातवें भाव पे दृष्टि है, शनि अपने भाव को स्ट्रांग बना रहा है। हाँ तो कैसा जीवन मतलब लाइफ इनकी है वैवाहिक जीवन, मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे नॉर्मल हम लोगों का रहता है जैसे सभी का रहता है ऐसा है या मतलब परेशानी है? परेशानी है क्योंकि आप देखेंगे द्वितीय भाव जो परिवार का कारक है वो मंगल से पीड़ित है, चतुर्थ भाव राहु बैठा है और चतुर्थेश भी द्वादश में गए हैं तो उसको भी उसी कैटेगरी में रखा जाए,
और सप्तमेश भी चूंकि पाप कर्तृ योग में है और शुक्र भी बारे में गए सूर्य से पीड़ित है, तो ओवरऑल जो पारिवारिक और वैवाहिक सुख है वो थोड़ा सा कष्ट में दिखता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड लाइफ है वो ठीक होगी इसकी। सर मंगल अगर सेकंड में तो प्रॉपर्टी वॉपर्टी तो उसके पास ठीक ठाक होगी, बाकी घर में किसी सुख सुविधा तो पूरी मुझे दिख रही है, बाकी सर कुछ थोड़ा बहुत इशू होगा अदरवाइज कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन एकदम से मतलब जो बोलते हैं ना कि स्पॉइल्ड मैरिड लाइफ नहीं होगी। हाँ स्पॉइल्ड तो नहीं होगी लाइफ, मतलब खटर पटर चलती रहती होगी, बट मेंटली रहता रहेगा थोड़ा बहुत, बाकी वो तो हर घर में चलती है उसमें तो हाँ, हाँ, लेकिन वो हर घर से थोड़ी ज्यादा है इससे, क्योंकि यहाँ राहु केतु एक्सेस में है ना, तो घर में या जहाँ वर्क प्लेस है वहां पे भी शांति इतनी नहीं है। अच्छा इसमें देखिए इसमें सर नवांश कुंडली में अभी आप देखें तो सप्तमेश वो अष्टम भाव में गए हैं। हाँ, वही वो भी मतलब उस चीज को कंफर्म करता है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा चैलेंज है, थोड़ा चैलेंज है, कारक जो है वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम है, शुक्र भी अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ, कारक भी अष्टम में बैठा हुआ है, तो वहां पे नवमेश नवांश कुंडली में आप लोग देखते हैं लगन में बैठा ग्रह, सातवें में बैठा ग्रह, लगन में जो ग्रह है, लगन में जो राशि है वो आपकी D1 चार्ट की कौन से भाव की राशि है, कौन से भाव की राशि है, वो भी आपको चेक करना होता है। चलो टेंथ की राशि है तो इतना मतलब टेंथ भाव की राशि है तो इतना बुरा नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोर्थ भाव की राशि फोर्थ की राशि है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर 6-8-12 भाव की राशि होती तो और हम परेशानी बोलते हैं इसके अंदर, तो लगन में चलो परेशानी नहीं है। सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, सातवें भाव का स्वामी मंगल बनता है, मंगल भी अष्टम भाव में है, ये परेशानी है। सातवें जिसका घर का जो कारक है शुक्र, शुक्र भी आपका अष्टम में बैठा हुआ है, ये भी परेशानी है। शुक्र से सप्तम देखते हैं, शुक्र से सप्तम देखें तो मंगल की मंगल आता है, मंगल अष्टम में बैठा हुआ है तो ये परेशानी है। तो ठीक है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा परेशानी तो इनकी शादी में है, बट चूंकि शनि अपने घर को देख रहा है तो वो मजबूत भी बना रहा है, तो लाइफ टिकी हुई है, बस चल रही है, मतलब सेपरेशन नहीं दिख रहा है। हाँ सेपरेशन नहीं दिख रहा है ऐसा, मतलब उसके क्योंकि सातवें घर पे गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी है। सेपरेशन के लिए तो सर राहु और सूर्य को देखते ना, राहु सूर्य शनि, हाँ शनि का सेपरेशन करवाता है। हाँ शनि सेपरेशन, राहु शनि और सूर्य ये तीन जो है वो सेपरेटिव ग्रह बैठे हैं, सेपरेशन में तो थोड़ा लगता है क्योंकि शुक्र जो बैठा हुआ है कारक के साथ सूर्य बैठा है, देखिए आप अगर जो शादी का कारक है उसके साथ सूर्य बैठा हुआ है तो वो एक सेपरेशन को शो करता है, लेकिन सेपरेशन इनमें इतना ही है कि ये दोनों मतलब ऐसा है कि हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं, मतलब हाँ ये है कि एक ये हस्बैंड जो है वो करीब 30-35 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर के आसपास सर्विस करते हैं, तो ये ब्लेजिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं वैसा हुआ। अच्छा करते हैं सर, ये यही मेरा पॉइंट था सर कि अगर इनको फैमिली रिलेशन सुधारना है, खराब है तो कहते ना समर्पण समर्पित हो जाए पत्नी के प्रति, यही एक तरीका है नंबर वन। बिल्कुल। और नंबर टू अगर इनको प्रोफेशन में आगे जाना है तो जैसा आप ऑलरेडी कह दिए हैं कि अपने जन्म स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा, जितना ज्यादा जितना दूर जाएंगे उतना राइज करेंगे। अच्छा और बताइए कुछ इसके अंदर हेल्थ के बारे में आप बताइए, हेल्थ का तो आपने बता दिया। इसमें सर जो मेरा पॉइंट ये था कि जी जो इसका इनकी कुंडली के अमात्य कारक हैं शुक्र, अगर हम जेमिनी थोड़ा सा जाएंगे सर तो जेमिनी में भी शुक्र अगर अमात्य कारक है वो भी 12th प्लेस पे है, तो अगर अपने घर से दूर जाएंगे तो उनको प्रोफेशन में फायदा होना चाहिए। ये तो आपके भी जेमिनी में भी सोचे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो वो देखिए कि आपका जो चौथे भाव का स्वामी है वो आपका 12वें भाव में गया है। यस सर, तो जाना ही पड़ेगा आपको, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो संकट में रहेंगे। 11th लॉर्ड भी तो है वो जो जहाँ वहाँ गया है, इसलिए 4th और 11th लॉर्ड भी 12th में गया है तो लाभ भी लाभ वहीं से मिलेगा, वही है लाभ विदेश से मिलेगा इनको 12th से ही। अगर विदेश जाते तो ज्यादा इवन अपना प्लेस चेंज करें तो भी फायदा है, ये कोशिश में है बहुत चेंज करने के लिए, इनका मन मूड बन रहा है कि कनाडा के लिए, आप लोग सही करते जा रहे हैं, मैंने इसलिए बताया नहीं आपको पूरा, कनाडा के लिए इनका मूड बना हुआ है, बहुत बढ़िया रहेगा सर, ये राइज कर जाएंगे और पत्नी के पैर छूए डेली, इनको यही बोला पैर छूने को तो नहीं बोला लेकिन ये बोला है कि हाँ राइज कर जाएंगे।
ये इनको बोला है कि भैया आप बाहर जाओगे तो आपको बाहर से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका लाभ भाव का स्वामी भी बारहवें भाव में बैठा हो। धन भाव लाभ भाव ये दोनों विदेश में जा रहे हैं, विदेश से जा रहे हैं, तो मतलब इनको तो फायदा होना ही चाहिए। और फायदा विदेश का, विदेश का स्वामी खुद विदेश में बैठा हुआ है तो वो सबको इकट्ठा कर लेगा, तो इनको तो फायदा होना ही चाहिए। अगर इनको नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। और वैसे वहां पे लग्नेश, उसके जो विदेश के स्वामी है उसकी दूसरी राशि में लग्नेश बैठा हुआ है। लग्नेश बैठा है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो मतलब होना ही चाहिए, नहीं होने का तो रीजन ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, इनको होना वही चाहिए। और आपने जैसे बोला उनका आना जाना लगा रहता है, मतलब विजिट्स, शॉर्ट विजिट्स कंटिन्यूस लगी रहती है, उसका रीजन भी वही है, लग्नेश थर्ड में बैठा हुआ है, जो फ्रीक्वेंटली हुआ है तो फ्रीक्वेंटली शॉर्ट कारक सूर्य के साथ है। अगर कारक जो शुक्र है वो सूर्य के साथ होने से सेपरेटिव थोड़ा इफेक्ट देता है। अगर कारक शुक्र मंगल के साथ होता तो लड़ाई झगड़ा दिखाता, क्योंकि मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा दिखाता है। सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट दिखाता है, शनि सेपरेटिव इफेक्ट दिखाता है, राहु सेपरेटिव इफेक्ट दिखाता है। तो ये और राहु की कारक पे दृष्टि भी है, अगर आप राहु को देखे तो राहु की नवी दृष्टि कारक के ऊपर पड़ रही है, तो वो भी है। और वैसे भी घर का जो है फोर्थ हाउस, उस पे आप देखो तो राहु केतु एक्सेस में है वो, तो इसलिए इनके लिए ये ठीक है, थोड़ा कि अलग रहते हैं, दो दिन मिलते हैं, दो दिन लड़ते हैं खाली, ज्यादा नहीं करते, नहीं साथ रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई वड़ाई करते हैं। सही है। तो आपने ये देखा, और इसके अंदर कोई चीज आप देखना चाहें, इसको सजेस्ट करना चाहें? हमने इनका धन भाव का देखिए, इनके बारे में धन भाव कैसा रहेगा इनका, क्योंकि इन्होंने कोई क्वेरी नहीं बताई। धन के लिए आपने बता दिया कि विदेश में जाएं तो इनको धन की बहुत अच्छी इनकम होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लाभ वहां से मिलेगा, ये हाँ, क्योंकि कर्मेश उनका सेकंड में जाके बैठा हुआ है ना। हाँ तो फिर वो वहां से मतलब वर्क करेंगे तो है अच्छा, थोड़े चिड़चिड़े हैं, मेडिकल प्रोफेशन से कोई जुड़ाव है क्या सर इनका? धनेश और लाभेश की युति अच्छी होती है और जिस प्लेस पे है उससे संबंधित करेंगे तो सर्टेनली इनको फायदा हो। सर ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं क्या किसी तरीके? नहीं, मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है भैया, ये मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है। और चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है इनका बहुत, ये थोड़ा सा ये कहते हैं कि जी मुझे मतलब नर्वसनेस बहुत होती है, स्वभाव मेरा थोड़ा ऐसा रहता है। तो हमने इनको ये बताया कि आप थोड़ा रखिए, आपका कुछ चंद्रमा का मंत्र वगैरह कीजिए आप। चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है इनका, मंगल राहु के बीच में बैठा हुआ है, पापकतरी में शनि से त्रस्त है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत पीड़ित है। कहते हैं कि अगर सैटर्न लग्न में हो तो आदमी दुबला पतला लंबा होता है, ऐसा है क्या सर? कौन सा लग्न में हो? अगर सैटर्न शनि लग्न में हो, सैटर्न लग्न में हो हाँ तो लंबा होता है, काला होगा तो हेयरी भी होगा। 11वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो भी लंबा बताया जाता है सर। सांवला भी होगा और हेयरी भी होगा, काला और लंबा होता है, ऐसा है क्या? लंबे हैं, लंबे हैं, लंबे हैं, अराउंड 6 फीट है ये, लंबे हैं उसमें कुछ सांवले हैं। हाँ, मतलब आजकल सांवला तो चलो देखिए ऐसा है ना कि ब्रिटिश किसी देशकाल परिस्थिति से पत्रिका अगर आप कहीं ऐसे तरफ की देख रहे हो जहाँ पे लोग थोड़ा सांवले ही होते हैं तो वो फर्क पड़ जाता है, खाली बाल अच्छे होंगे। हाँ वो बाल वगैरह पे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ लंबे हैं और बिल्कुल ठीक बात है। चंद्रमा इनका पीड़ित है जिसकी वजह से इनको परेशान ये रहते हैं, मूड स्विंग इनका बहुत रहता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। भाग्य कैसा है इनका? देखिए इसमें गुरु और केतु, आप लोगों ने किसी ने एक बात शायद नोट की हो, गुरु केतु यहाँ बैठे हैं, तो गुरु केतु कौन सा योग बना रहे हैं? मोक्ष कारक योग है सर इनके, मतलब इनको मेडिटेशन और उसमें रुचि होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि होनी चाहिए। एक चीज और भी है, गुरु केतु यहाँ पे देखिए, मैं आपको लाहु को शायद पढ़ाया है कि राहु केतु केंद्र में हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो वो राजयोग बन जाता है, ठीक है? तो इसमें केतु केंद्र में है और गुरु त्रिकोण का स्वामी है, गुरु की एक राशि बारहवें भाव में, पांच नवे भाव में भी है तो त्रिकोण का स्वामी है, तो गुरु और केतु का यहाँ पे ये राजयोग बनता है इनके लिए। तो हमें कुंडली में ऐसा भी देख लेना चाहिए कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग कोई है क्या, ज्यादा राजयोग देखने की जरूरत नहीं है। वो जो राजयोग होते हैं, बाकी शकट योग देख रहे हैं हम लोग या वो योग देख रहे हैं, वो योग इतने फलित नहीं होते, उनका बहुत कम प्रभाव होता है। प्रभाव आपका जो मेन होता है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी पूर्ण योगकारी ग्रह या केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ या त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ, यही दो तीन राजयोग हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए जो अच्छे रहते हैं। तो ये इस कुंडली में इनका अच्छा है,
भाग्य वगैरह का आप देखें, स्वामी दसवें भाव में क्या हुआ है, तो भाग्य भाग्येश का सर, लेकिन उनकी डिग्री बहुत ही कम है ना, एथिक्स वाले होंगे, एथिक्स वाले होंगे गुरु। अब आपने देखिए यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही देसाई साहब ने, ये बात बहुत अच्छी कही, पकड़ा बात को, कि गुरु राशि अंत, मैंने जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई ग्रह राशि अंत पे हो यानी 29 डिग्री से ऊपर और एक डिग्री से कम, तो वो अपने घर के पूर्ण जहां वो बैठा होता है वहां के वो पूर्ण रिजल्ट नहीं कर पाता। तो गुरु केतु का एक राजयोग बनते हुए भी गुरु यहाँ पे पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो राशि अंत पे है, 29 डिग्री 20 मिनट का यहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो ये इनको इतना फायदा नहीं मिल पाया, अदरवाइज फायदा इनको बहुत मिलता, मतलब गुरु केतु का योग बनना, राजयोग बनना प्रोफेशन भाव के अंदर प्रोफेशन को बहुत बढ़िया शो करता, लेकिन उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि गुरु यहाँ पे रिजल्ट प्रोफेशन भाव के पूरी तरीके से दे नहीं पा रहा, गुरु थोड़ा कमजोर हो गया है क्योंकि वो राशि अंत में। तो राशि अंत का, राशि प्रारंभ का भी आपको ध्यान रखना है डिग्री में, जब भी आप देखें तो राशि अंत और राशि प्रारंभ ग्रह देखें, बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं है आपको, ग्रह बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, युवावस्था में, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब अवस्था चलती है वो प्रश्न कुंडली में चलती है, ये वैदिक शास्त्र में नहीं चलती है अवस्था, ये सब प्रश्न कुंडली के अंदर होती है। आपको सिर्फ राशि अंत और राशि प्रारंभ का जरूर देखना होता है कि राशि अंत पे कोई ग्रह हो या राशि प्रारंभ पे कोई ग्रह हो तो वो अपने संपूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं दे पाता जिस भाव में वो बैठा होता है या जिन भाव का वो स्वामी। ये सर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं क्या? हाँ हाँ धार्मिक है, धार्मिक कार्य करके भी ये अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। हाँ धार्मिक है ये, काफी अच्छा है, दान करते रहते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, काफी हवन वगैरह करवाते हैं, ये चीज तो इनके अंदर इनकी लगी रहती है, मतलब कोई ना कोई पूजा पाठ के करवाते रहते हैं, जब भी देखो इनको तो भगवान शिव की पूजा या कोई ऐसी चीज पूजा ये करवाते रहते हैं, ये तो इनके इनसे बात हुई है, ये धार्मिक है, अध्यात्म की तरफ काफी रुचि है इनकी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और बाकी आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, मुझे लगा कि सब लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल, कहीं ऐसी जा नहीं रहे, और आगे से नेक्स्ट क्लास से मैं आपको कुंडली पहले ही 4-5 कुंडली भेज दूंगा ताकि हमारी स्पीड भी अच्छी बनी रहे। शुक्रवार को डाल दीजिएगा सर कुंडली, मैं फ्राइडे से पहले डाल दूं। हाँ, दो तीन दिन मिले क्योंकि 3-4 कुंडली देखने है, जॉब भी करना है, शाम को जाके देखना है, तो थोड़ा बहुत मतलब टाइम भी मिले तो अच्छा है। सर इसमें षडबल की एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं, जैसे गुरु की हम बात कर रहे हैं कि वो संधि पर है, लेकिन अगर षडबल में 1.36 उसका आ रहा है गुरु राशि अंत पर है और षट बल में भी भले ही वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, देखिए गुरु का क्या है, षट बल का जो मेन कारण होता है कि षट बल में ग्रह अगर आपका कोई स्ट्रांग है तो उसे कारकत्व अच्छे होते हैं, एज ए ग्रह वो स्ट्रांग है खाली, लेकिन एज ए भावेश वो स्ट्रांग नहीं बन पा रहा चूंकि वो राशि अंत पर हो गया, तो वहां के भाव के रिजल्ट वो नहीं कर पा रहा है पूरे अपना, वो ठीक है ज्ञान देगा, धर्म देगा, धन देगा, पुत्र देगा, संतान देगा, वो सब कुछ करेगा, ये गुरु षट बल में है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दसवें भाव के रिजल्ट वो संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, बाकी कार्यकर्ता तो उसके अच्छे है ही हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है क्योंकि षट बल में अच्छा है। जैसे कंफ्यूज इंसान होता है ना कि क्या करे, ये इसका करो या उसका करो कि क्या करो, बाकी जो उसके कार्यकर्ता है उनका रिजल्ट वो अच्छा देगा, लेकिन वो केवल दसवें भाव के रिजल्ट को अच्छा नहीं कर पाएगा, दसवें भाव के रिजल्ट वो पूरे नहीं दे पाएगा क्योंकि दसवें भाव में वो राशि अंत में बैठा हुआ है, वो कंफ्यूजन में करीब रहेगा बहुत ज्यादा कि क्या किया जाए। मतलब जो ये दो दूसरे भावों का स्वामी है वो नौवे का और छठवें का, उनके रिजल्ट भी कम कर देगा क्या खाली? नहीं, नहीं। जो रिजल्ट जहां पर बैठा है वहां के रिजल्ट वो कम कर देगा, मतलब वहां के रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा, कम करने का मतलब नहीं है कि वहां पे हानि करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट वहां के दे नहीं पाएगा, जो रिजल्ट वो देता गुरु यहाँ बैठ के त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ था एक अच्छा, और गुरु अगर कम डिग्री का होता तो प्रोफेशन में एक बहुत अच्छा वो दे सकता था, ऑल्दो ऐसे आदमी प्रोफेशन में लोन वोन लेते रहते हैं क्योंकि छठे भाव में इसकी त्रिकोण राशि है, लेकिन प्रोफेशन में लोन लेके भी बहुत अच्छा आगे बढ़ते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। ये काम क्या करते हैं सर? इनका प्रोफेशन बिजनेस है अपना, और बिजनेस जो है इसका है ये आपका ये मसाले होते हैं ना, सूखे मसाले। अच्छा। तो ये केरल से मसाले लेकर आते हैं और केरल से मसाले लाके यहाँ बेचते हैं, और अब ये एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं सारा। से रिलेटेड है। तो ये एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं सारा,
कि भाई हम ये सारी चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सोच भी रहे हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं, तो बराबर है ना, क्योंकि सर वो टेंथ लॉर्ड फॉरेन से पैसा मिलेगा इनको बहुत, और टेंथ लॉर्ड सेकंड में है ना, तो सेकंड हाउस खाने पीने की चीज सोच रहा था श्यामल जी, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ 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 सही है, तो यही यही चीज है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दीपाली कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, और तो नेक्स्ट टाइम से मैं कुंडली आपको भेजूंगा, 4-5 कुंडली भेजेंगे ताकि हम लोग 4-5 डिस्कस करें, और आप पढ़ के आइएगा उसको, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।